राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाली कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर भगवान पशुपतिनाथ की शरण में पहुंचे और अपनी जीत के लिए कामना करी। अब कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी देवी देवताओं की शरण में नजर आ रहे हैं। मंदसौर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर भगवान पशुपतिनाथ की शरण में नजर आए। पशुपतिनाथ दर्शन के बाद गुर्जर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शिवना पुलिया प्रतापगढ़ रोड होते हुए गांधी चौराहे पर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर उसमें भाग लिया। गुर्जर ने कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी से पूरी शक्ति से इस चुनाव में लग जाने के लिए आह्वान किया और कहा कि भाजपा से जनता नाराज है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में लोग कांग्रेस के साथ हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।